Everyone, I hope all of you are doing great. Well, I thought of making a small video in, you know, trying to explain that comma thing which we had discussed in the previous post. Achha ji, jitne logon ne comma lagaya after come in, let's eat grandma. Ye jumla tha. Come in, let's eat grandma. Basically, comma aapke sentence ke andar jahan pe short pause aata hai, we put a comma there. तो आइडियली यहां पे टू कॉमास हैं, कम इन के बाद और लेट्स ईट के बाद दोबारा आता है. लेकिन मैंने ऊपर पोस्ट में रिस्ट्रिक्ट किया था कि व्हाट इफ यू आर अलाउड टू पुट ओनली वन कॉमा, तो फिर आप कॉमा कहां प्लेस करेंगे. तो वो बड़ा फनी जो था बन गई स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है उसको बड़ा ठीक करेक्ट उसका यूजेज ऑफ कॉमा किया, बट देयर वर सम पीपल हु वर पुटिंग द कॉमा रॉन्ग. बट नो वरीज, वी कैन ऑलवेज लर्न. अच्छा, अब देखे मैं आपको दोनों का जो है वो डिफरेंस बताती हूं. कम इन पॉज, लेट्स ईट ग्रैंडमा. और दूसरा बनता है कम इन लेट्स ईट ग्रैंडमा. अब कुछ लोगों ने कम इन के बाद लगाया और कुछ लोगों ने ईट के बाद लगाया. तो जिन लोगों ने ईट के बाद लगाया वो करेक्ट था. कम इन लेट्स ईट ग्रैंडमा, अंदर आ जाएं, खाना खाते हैं नानी या दादी, जो भी पेटर्नल और मेटर्नल, ग्रैंड माइटस. ठीक है जी. दूसरी जो एक पॉपुलेशन थी जिन्होंने लगाया कम इन लेट्स ईट ग्रैंडमा में कम इन के बाद कॉमा, तो उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं कि पॉज के साथ वो क्या बनेगा. कम इन लेट्स ईट ग्रैंडमा, बेसिकली जैसे आप किसी को कहते हैं कम इन लेट्स ईट बर्गर, कम इन लेट्स ईट चिप्स, कम इन लेट्स ईट फ्रूट. तो बेसिकली आप किसी को कह रहे हैं अंदर आ जाओ, नानी को खाते हैं. तो करेक्ट यूजेज ऑफ योर कॉमास कैन सेव लाइव्स. ठीक है जी. तो दैट वॉज जस्ट ऑन द फनियर साइड, आई फाउंड इट ऑन इंटरनेट, सो आई थॉट वाई नॉट स्टार्ट आर पोस्ट दैट. इसके साथ एक बड़ी प्रोडक्टिव अच्छी चीज मुझे उसी पोस्ट में, यू नो इट्स टीचिंग इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम द पीपल एज वेल, योर स्टूडेंट्स एज वेल. तो कुछ बच्चों ने पोस्ट पे ही उर्दू में सेंटेंस लिखा था कि रोको मत जाने दो. अब एग्जैक्टली मुझे फिर बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है, आई विल मेक दिस अ पार्ट ऑफ माय वीडियो एज वेल. के एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज हु शेयर्ड दिस सेंटेंस. तो उर्दू में एग्जैक्टली आपका ये उसी की रेप्लिकेशन है. अब पॉजेस के डिफरेंस से आप देखें कि दो ऑपोजिट जुमले बनते हैं. रोको मत जाने दो, मतलब किसी बंदे को आपको रोकना है, उसको जाने नहीं हुए. और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पॉज लगाऊंगी रोको मत जाने दो, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात बनती है. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट अ पॉज इन अ सेंटेंस इज. और इसी का यूजेज जो है एफपीएससी के एसए के एग्जाम में 2017 में इस तरह किया गया कि हमें स्टेटमेंट आई थी फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, और कहीं कॉमा नहीं डाला हुआ था. तो पीपल एक्चुअली according to the pauses which they gave while reading the statement, उन्होंने अपना pause differently choose किया. कुछ लोगों ने उसको पढ़ा feminism is not really a third world issue, feminism के बाद छोटा सा pause लिया. और दूसरे जो मेरे वाला school of thought था, उन्होंने ये पढ़ा feminism is not really a third world issue. अब pause की वजह से ये दो statements इतने different हो गए कि feminism के अलावा भी थर्ड वर्ल्ड में और मसले हैं. पॉवर्टी का मसला है, वाटर क्राइसिस है, और भी इश्यूज हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं. जबकि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, इसका मतलब कि आपका फेमिनिज्म इट्स नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू. ये फर्स्ट वर्ल्ड का आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं फेमिनिज्म रिलेटेड इशूज वहां पर ज्यादा है. तो दोनों तरीके से ऐसे अटेम्प्ट किया गया. आई नो माई बैचमेट्स जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड पे सारा ऐसे लिखा और फेमिनिज्म के अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं सारा ऐसे उस पर लिखा, उनका भी पास. और मैंने जो ये ऐसे अटेम्प्ट किया था, मैंने सारा ऐसे फेमिनिज्म के ऊपर लिखा था लेकिन थर्ड वर्ल्ड से बाहर था कि थर्ड वर्ल्ड के अलावा फर्स्ट वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज जो है वो फेस किए जाते. सो इट वॉज करेक्ट बोथ वेज, वेर एवर यू हैड पुट योर पॉज उस हिसाब से द स्टेटमेंट वॉज टेकन. एंड आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो एंड एक्सप्लेन इट. इंशाल्लाह नेक्स्ट पोस्ट में हम
कोई और चीज ऐसे डिस्कस करेंगे. एंड आई लव द वे यू गाइज रिस्पॉन्डेड. आई एम ग्लैड दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट. एंड रमजान मुबारक अगेन.